आज मैं मस्टार्च और जो बियर्ड है वो कैसे ड्रॉ करना है वो बताने वाला हूँ। तो ये जो दोनों चीज़ है ये मैं बस दो पेंसिल से बनाने वाला हूँ, एक मैकेनिकल पेंसिल और एक पेंसिल कलर है। तो वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एंड तक देखिएगा। सो हे, दिस इज राहुल एंड यू आर वॉचिंग राहुल एकेडमी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सब देख सकते हो ये मैकेनिकल पेंसिल है 0.7 mm का। इसके बाजू में मेरे पास इरेजर है और ये डॉम्स का कलर पेंसिल है ब्लैक कलर में। तो ये तीनों चीज़ से मैं बनाने वाला हूँ स्टार्च और जो बियर्ड है वो बनाने वाला हूँ। मोबाइल में ये मेरे पास फोटो है थॉर का, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इसको देख के ऑब्जर्व करना है कि किधर डार्क टोन है, लाइट टोन किधर है, और हमें हाइलाइट्स किधर करना है, और हमें किधर किधर डार्क इफेक्ट दिखाना है और किधर लाइट इफेक्ट दिखाना है, वो सब आपको ऑब्जर्व करके रख लेना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आउटलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो आउटलाइन तो बेसिकली है तो आप बना सकते हो। तो ये आउटलाइन तो मेरा बन चुका है, मैंने स्किप कर दिया ये पार्ट क्योंकि आपको पता है कि आउटलाइन कैसे बनाना है। तो ये जो लिप्स है इसको अभी मैं बना रहा हूँ। तो ये जो ट्यूटोरियल है इसमें तो मैं आपको बस बियर्ड और मस्टार्च के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो मैंने लिप्स भी बना लिया है इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था मैंने। अभी बात करते हैं मस्टार्च और जो बियर्ड है उसके बारे में। पहले मस्टार्च, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मोबाइल से ऑब्जर्व करके जो मस्टार्च का आउटलाइन है जो हमें दिख रहा है वो मैं बना रहा हूँ। अभी देख सकते हो जिधर डार्क है उधर मैं हल्का हल्का डार्क कर रहा हूँ, और ये जो लेयर है ये इसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं। मैं उधर ही डार्क कर रहा हूँ, उधर ही पेंसिल का शेड कर रहा हूँ जिधर डार्क टोन है, जैसे आप देख सकते हो मस्टार्च में। और मैं हाइलाइट्स के लिए जगह भी छोड़ रहा हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। हाइलाइट्स के लिए आप जगह बाद में भी छोड़ सकते हो पर मैं पहले छोड़ दे रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा बेटर वो लगा। अभी ये सेकेंड लेयर कर रहा हूँ मैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे एरो जहाँ पॉइंट आउट कर रहा है वही मैं बना रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कि किधर डार्क टोन है और लाइट टोन किधर है। आप डायरेक्ट डार्क नहीं कर सकते हो, अगर डायरेक्ट डार्क कर दोगे तो वो रियल नहीं लगेगा, इसलिए आपको लेयर बाय लेयर मेथड में यूज़ करना है। तो जिधर डार्क दिख रहा है जिधर डार्क टोन है उधर उधर मैं शेड कर दे रहा हूँ, और बाकी सब जगह को मैंने ऐसे छोड़ दिया है। आप अगर नहीं छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप बाद में इरेजर से उसको इरेज कर सकते हो, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये भी हल्का फास्ट ही है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है कि आपको देख पाए आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। तो यहाँ मैंने बस स्मूथली ब्लेंड कर दिया है, आपको बस लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग स्टंप को पकड़ के अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और ये थर्ड लेयर है जिसे आप देख सकते हो। इसे शेड कर रहा हूँ, डार्क टू लाइट टोन शेड कर रहा था, ये भी वैसे ही कर रहा हूँ। पहले मैंने लाइट शेड किया था उसके ऊपर मैं डार्क शेड कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने को डेप्थ दिख रहा है वैसे ही मैं करते जा रहा हूँ, आपको भी यही चीज़ ऑब्जर्व करना है। आपको मेन ऑब्जर्व क्या करना है कि कहाँ हाइलाइट्स है और कहाँ आपको जगह छोड़ना है। वो जगह छोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि आपको किधर डार्क टोन दिख रहा है और किधर लाइट टोन दिख रहा है। और जो आपको मुस्टेचे में बहुत सारा लाइन्स दिख रहा होगा तो वो लाइन्स बनाने के लिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। और यहाँ मैं मैकेनिकल पेंसिल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने बहुत ही आगे पकड़ा है पेंसिल,
जिससे प्रेशर अच्छे से लग सके। मैं अगर पीछे से पकड़ता तो प्रेशर ज़्यादा नहीं लगता। अभी हमें जो डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स चाहिए मस्टार्च के, उसी डायरेक्शन में मैं शेड कर रहा हूँ। अगर मेरा मस्टार्च वर्टिकली है तो वर्टिकली में ही शेड कर रहा हूँ। अभी ये इतना तो हो चुका है। थर्ड लेयर के बाद मैंने अभी इस पर डॉम्स का जो कलर पेंसिल है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप चारकोल पेंसिल या 8B 10B भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे एज है डार्क टोन का जहाँ से चालू होता है उधर मैं ये कैमलिन का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी मतलब डॉम्स का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये कलर पेंसिल। आपको बस ये देखना है कि आपको स्ट्रोक्स किधर लगाना है। मैं आपको पेंसिल को खींचना है कैसे आपको प्रेशर करना है। अभी मैंने जो मैकेनिकल पेंसिल उसको मैंने थोड़ा हल्का मिडल में पकड़ा है जैसे आप देख सकते हो, जिसकी वजह से हमें लाइट इफेक्ट मिल रहा है। तो ठीक आपको वैसे ही करना है। मैं अभी आगे पकड़ता तो डार्क होता। और मैंने ये भी फर्स्ट लेयर में कर रहा हूँ इधर बियर्ड के इधर, तो अभी इसके ऊपर से मैं वर्क करने वाला हूँ। और यहाँ मैंने देखिए पेंसिल किधर पकड़ा है। अभी इससे हम नीचे देख सकते हो बियर्ड के एकदम एज में देख सकते हो मैं वर्टिकली इसको शेड कर रहा हूँ और इसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ जो डायरेक्शन में हमारा बियर्ड जा रहा है। अभी आपको साइड में इमेज दिख रहा होगा ठीक वैसे मैं सेट कर रहा हूँ। और अभी ये जो डेप्थ दिख रहा है आपको इसको सेट करने के लिए मैं पहले लाइट टोन करूँगा। ये देखिए मैं पहले आउटलाइन बना रहा हूँ पहले उसका कि वो कैसे है। तो यहाँ मैंने हल्का सा ऊपर सेट कर दिया है। इसका डेप्थ दिखाने के लिए मैं वही पेंसिल से यूज कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है तो आप पेंसिल को भी प्रेशर में रखिए, जितना आगे से पकड़ोगे उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा। मैं आउटलाइन कर रहा हूँ और उसके बाद शेडिंग कर रहा हूँ जैसे आप देख सकते हो। और जो हाइलाइट्स है इसको लिए जगह छोड़ दे रहा हूँ मैं। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि उससे आराम से आपका अच्छे से बन जाएगा। कुछ कुछ जगह पे आप डायरेक्ट ही शेड कर सकते हो डार्क, कुछ कुछ जगह पे नहीं कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये जो मैंने डार्क कर दिया है क्योंकि उधर पूरा डार्क हुआ है। अभी जो बियर्ड है वो वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली बियर्ड तो नहीं होता है, तो वर्टिकल बियर्ड है ये। तो मतलब कि अगर वर्टिकल है तो मतलब वर्टिकली आपको सेड करना है, वर्टिकली आपको जितना भी स्ट्रोक से करना है। अभी मैं पूरा लाइट टोन्स में काम कर रहा हूँ जैसे आप देख सकती है। उसके बाद मैं लेयर करते जाऊँगा, उसके बाद वो इफेक्ट दिखेगा। अभी जिस डायरेक्शन में बियर्ड है उसी डायरेक्शन में मैं शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने ब्लेंड कर दिया है क्योंकि मैं वापस अभी सेकेंड लेयर करने वाला हूँ। शेडिंग करने के बाद हमारा जो शेडिंग रहता है शेड रहता है ग्रेफाइट वो हल्का लाइट हो जाता है। अभी इसको भी मैं इसी डायरेक्शन में शेड कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में मेरा जो बियर्ड है जा रहा है।
बियर्ड का जो शेप है वो कर्ली है, तो ठीक वैसे मैं कर रहा हूँ आपको। देखिए मैं दिखा देता हूँ साइड में, तो कुछ ऐसे आपको करना है। ये देखिए आपको पतला एस बनाना है। देखिए मैं लेटर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं शेड कर रहा हूँ जैसे आप देख सकते हो, और पेंसिल मैंने आगे पकड़ा है, और बस आपको कर्ली स्ट्रोक्स देना है जैसे मैंने आपको बताया था पहले। इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ क्योंकि स्मूथ इफेक्ट दिखाना है, उसके ऊपर मैं अभी लेयर बाय लेयर मेथड यूज करूँगा। तो ये जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है बाजू में, ये मैंने बनाया था थोड़ी दिनों पहले, बनाया था थॉर का। इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। बियर्ड बनाते समय बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा, पर कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इजी मेथड है। आपको बस कर्ली स्ट्रोक्स देना है, और वो देने के बाद आपको हल्का ब्लेंड करना है, उसके बाद वापस से कर्ली स्ट्रोक्स देना है जिधर आपका डार्क टोन है उधर, और जहाँ डार्क टोन नहीं है उधर आपको ऐसे छोड़ देना है। मतलब समझिए अगर लाइट दिख रहा है हाईलाइट करना है उधर, तो आपको उधर छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ मैंने बीच में छोड़ दिया है जिसे आप देख सकते हो। अभी मैं एज की बात करूँ तो एज का मैंने पहले शेड कर दिया था, उसके बाद मैंने ब्लेंड कर लिया है। अभी जो स्ट्रोक्स है वो मैं वर्टिकली दे रहा हूँ। जैसे बियर्ड होता है वर्टिकली बियर्ड होता है, तो वैसे ही मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ जैसे आप देख सकते हो। एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप कि मैंने अभी तक आगे पेंसिल ही पकड़ा है, क्योंकि मेरे को जो इफेक्ट है अच्छे से दिखाना है, और जो आगे पकड़ने से हमारा ग्रिप भी बनता है, इसलिए मैं आगे पकड़ के बना रहा हूँ। ये देखिए मैं जगह भी छोड़ दिया है हाईलाइट्स के लिए, जगह भी छोड़ रहा हूँ मैं, तो वो भी आपको ध्यान में रख के करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप जगह बिल्कुल भी ना छोड़े और सीधा कर्ली कर्ली करते रहे, तो वैसे वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगा, वो वैसा हो जाएगा जैसे लग रहा है कि घिसा हुआ है, तो वो आपको नहीं करना है। आपको बस ऑब्जर्व करके जिस जगह पर आपको शेडिंग दिख रहा है उसी जगह पर करना है, जहाँ सेटिंग नहीं दिख रहा है तो अपने मन से बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ अगर आप ऑब्जर्व किए हो, अगर वो जगह पे मिस्टेक है, अगर वहाँ सेटिंग होना चाहिए पर अगर आपने नहीं किया है और जो फोटोग्राफ है उसमें नहीं हुआ है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं तीसरा लेयर कर रहा था, जैसे एजेस में मैं कर रहा हूँ, जिधर मेरे को डेप्थ दिख रहा है उधर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ पूरा। अभी लिप्स के नीचे मेरे को मीडियम डेप्थ दिख रहा है, मतलब कि तीन टोन्स होते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, मिडल टोन हो गया, डार्कर टोन हो गया। ये तीन टोन्स का अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई भी ड्राइंग अच्छे से बना सकते हो, कोई भी मीडियम में। मैं पेंसिल शेडिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी सब मीडियम में बनाता हूँ। तो देखिए आपको जहाँ डार्क देना है उधर आपको प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर नहीं अप्लाई करना चाहते तो डार्क पेंसिल ले लीजिए सीधा। अभी जो पैची पैची बियर्ड दिख रहा था उसको मैंने जॉइंट कर दिया है, वो जो नीचे का एज है उसके साथ, और जो जिधर डार्क टोन है उसको मैंने मर्ज कर दिया है आपस में, तो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मतलब कि अलग अलग है, तो आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको बियर्ड्स की जो लाइन्स है वो ध्यान में रख के करना है, आराम से आपको स्ट्रोक्स दिखाना है कर्ली। हर बियर्ड कर्ली नहीं होता है, स्ट्रेट भी बियर्ड होता है, तो वो भी ध्यान में रखना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेयर बाय लेयर मेथड में जाना है। उसके लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट लेयर करोगे, उसके ऊपर पहले तो आप शेड कर लोगे। शेड करने के बाद आपको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद सेकेंड लेयर पे जाओगे, पेंसिल को उस डायरेक्शन में यूज़ करोगे जिस डायरेक्शन में आपको बियर्ड दिख रहा है, और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। फिर वो करने के बाद आपको दिख रहा है कि और स्मूथ है, तो सेकेंड लेयर में जो पेंसिल यूज़ किए हो, जो स्ट्रोक्स दिए हो, उसको भी ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपको करना है, तो वो जो इफेक्ट दिखेगा ना, वो लाइट टू डार्कर टोन दिखेगा कि आप लेयर बाय लेयर मेथड यूज़ कर रहे हो। टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस लगेगा। ये मेरे को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगा था बनाने के लिए। तो अभी हमें डार्क पेंसिल यूज़ करना है, 8B 10B चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं डॉम्स का कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कर देता अगर डॉम्स के कलर पेंसिल से, तो वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता। तो वो दिखाने के लिए आपको जितना भी डार्क पेंसिल है सब लास्ट में यूज़ करना है। बस मैं ये बियर्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी सब ड्राइंग का जो मेथड रहता है वो सभी का अलग अलग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अभी जिस जगह मैंने कर्ली स्ट्रोक्स दिया था उस जगह डेप्थ दिख रहा है, तो उसी जगह मैं स्ट्रोक्स कर रहा हूँ, कर्ली स्ट्रोक्स, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको। और हाईलाइट एकदम अच्छे से कीजिएगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट टिप बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा मेथड है ये, आपको ये मेथड फॉलो करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ इधर। आप बस ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको ठीक वैसे ही यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब आप देख सकते हो जो बियर्ड है वो रेडी है। आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है, एक ऑब्जर्व करना है आपको लाइन किधर जा रहा है, और आपको स्ट्रोक्स देना है जिस डायरेक्शन में बियर्ड और मस्टार्च है। तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।